तीन बेसिक वेवफॉर्म लिए और तीनों में इनके अलग अलग रूप हो सकते हैं। आवर्तकाल के हिसाब से तो एक बार फिर से इन्हीं तीनों के जो अलग अलग रूप है और अलग अलग आवर्तकाल के हिसाब से एक टेबल बनाते हैं। जैसे सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल वेवफॉर्म के लिए है, करंट ले लो या वोल्टेज ले लो और ये मान यहां V है, तो हमारा ये बेसिक वेवफॉर्म में हमने ये पढ़ा है कि देखिए पूरे आवर्त काल में यदि हमें आउटपुट मिलता हो, मिल रहा है कि RMS बराबर में V है, फिर सिर्फ अभी रेक्टेंगल का थोड़ा सा ऑपरेशन करना, ये Vm है, ये माइनस Vm, ये टूट, तो ये भी हमने सीखा है आवर्त काल कितना है भाई, है T, नेगेटिव को RMS के लिए क्या मान के चलो, पॉजिटिव, तो ये भी यही केस हुआ, यानी कि आवर्त काल था हमारा T और पूरे में ही हमें मिल गया आउटपुट पे RMS बराबर में एक ये रोल रूप हो सकता था। देखिए बच्चे को ये कंफ्यूज किया जा सकता है, ये कोई वेवफॉर्म है, हमें इससे मतलब नहीं कि मैक्सिमम पे लिखा क्या है, हमें तो मैक्सिमम पर लिखी गई वैल्यू से मतलब है, आगे कुछ नहीं। तो ये अभी मैक्सिमम वैल्यू कितनी भाई बोलो फटाफट, इसके लिए RMS कितना, Vm भाई पूरे आवर्तकाल में मिल रहा है ना, तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू लिखेगा ए बी सी डी वी एम बाय टू वो हमारे लिए RMS वैल्यू। तो चलिए देखिए गलती होने की संभावना यहां थोड़ा सा बढ़ जाती है, ये टूटी है और ये मैग्नीट्यूड वी एम बाई दिया। इस टेबल में अगर ये टेबल आपने बना ली और लिख लिया तो RMS का कोई सवाल गलत नहीं है, इसका मतलब आप पॉइंट को पकड़ गए। मान लीजिए ये था तो टाइम पीरियड कितना था, 2T, ये मिला कितने में था, आधे में, अगर पूरे में मिलता कि RMS अगर पूरे में होता Vm बाई फोर होता, पूरे में अगर होता तो मैक्सिमम होता, मिला क्या हो गया भाई, सही नहीं लिख रहे क्या, अगर आधे में मिल रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे ना, अंडर रूट में 1/, क्या हुआ नहीं समझ आया, समझ गए ना, बस तो RMS हमें ये मिला। ये वी है, देखिए कई बार टाइम पीरियड टी बराबर में एम लिखा है और यहां
मीन्स स्क्वायर वेव दे दिया ना, तो परेशान होने की जरूरत नहीं भाई, टाइम पीरियड ये था, हमें पूरे में आउटपुट मिला है, हमें पूरे में आउटपुट मिला है और कितना मिला है, वीएम मिला है। तुम सीधे सीधे लिख लेंगे कि आरएमएस कुछ करने नहीं हमारे लिए, सल वी ये बताओ भाई, यहां तक ये क्लियर है? अरे कल भी तो ये लिखे थे हमने। चलिए तो ये हमने लिया है अभी रेक्टेंगल वेवफॉर्म के लिए, अब देखिए ट्रायंगुलर वेवफॉर्म के लिए भी अलग अलग रूप है, क्या पॉसिबल वे हमारे पास या रास्ते हैं। एक बेसिक रूप ये टी है, अधिकतम मान क्या है वीएम, तो भाई ये टाइम पीरियड क्या है टी, पूरे में हमें आउटपुट मिला यस वीएम बाई रूट थ्री वोल्ट, पूरे में अगर ये बना होता तो ये मिलना था। देखो अब इसी के अलग अलग रूप को समझ लेते, ये वीएम है बेटा और ये माइनस है, ये टी है, ये टी बाई आरएमएस कितना लिखे, वीएम बाय रूट थ्री भाई, टोटल टाइम पीरियड टी था, सॉरी टी बाई टू ही तो टोटल टाइम पीरियड है। अरे हमने क्या कहा है कि निगेटिव को भी क्या लेकर चलना है, पॉजिटिव, यानी कि इसके बाद रिपीट होने लगा, तब वी आर एम एस हमारे लिए होगा वी एम बाई रूट मेरे हिसाब से, यहाँ भाई अभी तो हिसाब ही लगा रहा हूँ मैं, बाकी तो तुम्हारे ऊपर निर्भर है क्या करके आओगे पेपर। ये टी है, टी है, ये थ्री टी आगे चल रहा है, टाइम पीरियड कितना टी, पूरे में आउटपुट है भाई, देखो पूरे में आउटपुट अगर मिल रहा है टी आर एम एस बराबर में वी एम बाई ठीक है, और ये टी टू टी थ्री टी जो मर्जी हो बोलिए कितना लिखे, वही होगा, यानी कि हमारे लिए तो ही तो है भाई, तो आउटपुट दे रहा, ये और ये समान ही तो है, कल बना के दिखाया था आपको, तो टी यानी पूरे टाइम पीरियड में मिल रहा है कि आर एम एस बराबर वी एम बाई थ्री, ये भाई ये टी है और ये थ्री टी है और ये वी एम, तो टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड है थ्री टी, आउटपुट एक बटा तीन में ही तो मिला है, गुड, पी आर एम एस हाँ बिल्कुल पी एम बाई रूट थ्री गुणा एक बटे रूट तीन, यानी कि वी एम बाई तीन होगा ना, नाइन कैसे बोला है, एक हमारे लिए ये केस, ये बताओ यहां तक ठीक है, तो यहां तक तो लिख लोगे,
अबे हमारे पास में देखे साइनसॉइड, टी लिखो ओमेगा टी, उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो टाइम है आगे। हमने कहा था सेकंड में दिखाओ या एंगल में, सही साहब कितना होगा? एम बाई रूट टू पक्का? वेरी गुड, बात पकड़ लिया। पीएम बाई रूट टू अगर ही हम कुछ ये रूप दे दें, टू टी टी पीएम हो जाए। सेम है भाई, निगेटिव को पॉजिटिव करके देखेंगे। गुड, तो ये पूरे में आउटपुट मिल रहा है। चलिए, कि आरएमएस बराबर वीएम बाई टू टू अगर वीएम बाई फोर टाइम पीरियड टी, इसके लिए बताइए। अरे उधर क्या देख रहे हो? भाई मैक्सिमम कितना है? वीएम बाई फोर, तो वी आरएमएस पीएम बाई फोर अंडर रूट, बात करता हूं। बात देखिए, ये टी है, ये भी है, ये टी है, फोर टी है, और ये मैक्सिमम वन वीएम बाई टू, बताओ। ना ना, ऐसे भावनात्मक नहीं होना। पेन चला लो यार, अगर ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा है तो पेन चला के आंसर कर दो। इतना ही देखो, कुल मिला के बात ये है कि आरएमएस अगर पूरे में होता, ये होता भाई मैक्सिमम को डिवाइड बाय रूट टू, पूरे में होता ये होता, लेकिन ये एक बटे चौथे हिस्से में है विद्यार्थियों, अंडर रूट में एक बटे चार, एक बटे चार मतलब दो हो गया है जी। तो वी एम बाई फोर अंडर रूट, क्लियर है? तो ये हमारी आरएमएस वैल्यू था। ये हमारे पास बेटा अलग अलग प्रकार की वेवफॉर्म का जो बेसिक था ये था। फोटो खींच रहे, देखोगे नहीं? फोटो खींच रहे तो आज तो मेरा नाम लिख के और एकेडमी का जितने आपके आईटीआई के ग्रुप है सब में शेयर कर देना। लोग हमारे बच्चे थोड़ा सा बोलते हैं ना कि नील टाइप है, उद्दू टाइप है। मैं बाकी ग्रुप चेक करता हूँ तो बाकी लोग है, तो विद्यार्थी वो प्रचार प्रसार करते हैं, हमारे ये बुद्धू से बच्चे हैं। लेकिन बढ़िया है,
हाँ मुझे बिल्कुल पर्दों में छिपा के रखो। हो रहा था तुम्हारे वहां बैठता था साधु में। पता चल गया था जल्दी ना, देखो एक दिन में उसे रूटीन चेंज कर लिया, जो करने वाला है वो करे। वो तो तैयार है कि सर 6 बजे कर दो क्लास, वो तैयार है पूरी तरह से उस। आज 4:38 पे सुबह ऐसा नॉर्मल ये था कि अपना मैं उठ जाता हूँ, मेरी 5 बजे क्लास होती है, ब्रश व्रश कर रहा था, घंटी बजी, मैं गया तो गोरखपुर से एक बच्चा आ रखा था। हाँ तो उसने भेजा इधर उधर कहीं घुमानी है, मैप में अम्मा देगा और पहुँच गया। मैंने कहा यार थोड़ी देर बाद आ जाता। हाँ नहीं मैं तो घर पे ही था, लेकिन वो दूर से आया, मैंने कहा थोड़ा रेस्ट वेस्ट कर लेता। नहीं सर कि मुझे पता है कि बाद में आप बहुत बिजी रहते हो, तो बाद में मुझे समय ही नहीं मिलना था, मैं ट्रेन से उतर के सीधा पहुँचा ये। क्या चल बहुत बढ़िया है। नहीं नहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, ये 2015 से तैयारी कर रहा है और मतलब अभी कहीं हो नहीं पाया उसका। वही बातचीत करने, सलाह मशवरा करने। फिर मैंने 5 बजे वाली क्लास भी नहीं ली, आराम से उसको बिठाया, मैंने कहा चल चाय पिलाता हूँ तुझे, चाय बनाए, चाय अपने आप भी पी। सिलेक्शन वाला तो एक संडे को आया था बच्चा अमित, पानीपत का ही रहने वाला है, और उसका IOCL रिफाइनरी पानीपत में ही सिलेक्ट हुआ है। वो मेडिकल अनफिट हो गया था पहले, उसे मैं मंदिर लेके गया था। मैंने कहा देख अंधविश्वास अलग चीज होती है, लेकिन एक तीसरी शक्ति तो है ही भाई, कुछ तो ऐसी चीज है जो इस पूरे पर्यावरण को हैंडल कर रही है, कुछ तो ऐसी शक्ति है ही। वो शनिवार संडे को यहाँ जो तो मंदिर है डाट काली मंदिर पे भंडारा करने आया था,
आया था वो, अच्छा लगा। अच्छा कल पंजाब का रिजल्ट आया, उसमें काफी 17-18 बच्चे हैं जो SS लाइनमैन। हाँ सब पंजाब, काफी स्टूडेंट है पंजाब के, पढ़ते भी कम है वो लोग ना, थोड़ा कम नंबर पे मेरिट बन जाता है। जो पढ़ता है बस वो ठीक है, मतलब वहाँ पढ़ने का जो रेशियो है ना वो थोड़ा कम है, लेकिन जो पढ़ता है वो बेचारा अपना लगनशील होते हैं, लेते हैं। बना लिए ये, मतलब जितना यूपी में एग्जाम के लिए पढ़ते हैं उसका अगर वो 50% भी पढ़ लें तब भी वो जॉब। 2017 में मिनिमम है ना वहाँ 40% लाना है, एग्जाम मेरिट तो अलग है लेकिन 40% स्कोर मिनिमम होना चाहिए तभी आप मेरिट में कंसिडर किए जाएंगे। 17 या 18 में JEE का एग्ज़ाम हुआ था और एक SDO का, तो उसमें 168-168 वैकेंसी थी, एक में कम थी SDO वाले में, एक में ज़्यादा थी, तो इन्हें वो वैकेंसी जितने भी लोग उतने नहीं मिले थे जिनके 40% प्लस मार्क्स हो, तो फिर उन्होंने SDO वाले को लेना ही बंद कर दिया एग्ज़ाम। इन्होंने कहा गेट के थ्रू ही लेंगे एग्ज़ाम, कराना और सरदर्दी पालने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने गेट के थ्रू ही डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाने शुरू कर लिए थे, उसके बाद कराया ही नहीं इन्होंने, JEE का एग्ज़ाम कराते हैं। बस ये है ना, इन्होंने कंपटीशन JEE में, AE में, ITI में इसलिए फालतू बढ़ा रखा है कि इन्होंने जबरदस्ती के कॉलेजों को मान्यता दे रखी है। अब देखो कि फिर एक वो जब आप पढ़ रहे थे तो भी एक स्टूडेंट अपना सिस्टम को सही कराने आया था, जिसने एक चैनल का नाम भी बताया, तो उनका खुद का ITI का कॉलेज है हरिद्वार में। मैंने कहा भाई बच्चे कैसे पढ़ते हैं, कि सर कैसे भी नहीं पढ़ते, बस वो नौकरी कर रहे इधर उधर, पेपर देने आते हैं और पेपर जो नहीं देने आएगा तो उसके पेपर लिखने के भी पैसे होते हैं। हैं ऑनलाइन 100% कौन सा सही है, प्रैक्टिकल तो ये ना पेपर देने बुला लो अपना, और क्या दिक्कत है। संभावना हर जगह ही है, चलो उतार लिया ये, लिख लिया। तो देखो RMS वैल्यू का हमने यहाँ अलग अलग को लिखना सीख लिया, बस 5 मिनट और लगेगी। और एक बहुत अच्छे देखो आप लोगों के हिसाब से यहाँ RMS वैल्यू समाप्त हो गई, मतलब ITI के एग्जाम में ये लास्ट कंडीशन है, यहाँ से ज्यादा नहीं देगा, लेकिन 5 मिनट और लगेगी। इसे भी जरा आप लिख लो भाई, लिख लिया ये, आगे चलूं फिर, मतलब ये किसी ने किसी को अगर समझ नहीं भी आया तो टेंशन नहीं लेने की जरूरत। देखो होता क्या है कि जैसे
एवरेज वैल्यू दे दे अलग अलग, 10 है, 3, 4 है, 5 है, एवरेज वैल्यू के हिसाब से। अभी जैसे तुम्हारा जो सवाल था, उसका एक छोटा सा मैं तरीका भी सिखाऊंगा तुम्हें, शॉर्टकट पे आएंगे। एवरेज वैल्यू की कहानी थी, आपने पॉजिटिव को पॉजिटिव, निगेटिव को निगेटिव लिया था, औसत मान। यहां स्क्वायर किया तो निगेटिव को आपने प्लस ले लिया। देखो, अगर कोई आपको ये कहे कि तीन वेवफॉर्म के आरएमएस वैल्यू दे दिए, तो तीनों का योग बताइए, तो आरएमएस वैल्यू सीधे जुड़ती नहीं है। देखो, मेरा कहने का तात्पर्य ये है, अगर एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये है, इसमें मैक्सिमम मान IM1 है, और भाई यहां पर साइन ओमेगा टी है, तो एक मेरे पास में I2 IM2 है, और साइन 2 ओमेगा, मतलब यहाँ कुछ भी टर्म है, साइन वाले कोस वाले, मुझे उनसे मतलब नहीं है RMS में। जैसे कल आप भी कह रहे थे एंगल का रोल है ही नहीं RMS में, सिर्फ पीक वैल्यू का मतलब होता है। तो मुझे ये कहा गया कि अगर मैं इसके RMS की बात करता हूं, तो I1 RMS मुझे मिल जाएगा IM1 Y, यहां मुझे मिल जाएगा I2 RMS IM/2 और √2। ठीक है जी, तो मैं ये कहूं आपको कि देखो भाई, एक आई है, आई RMS में लिखना है, और कुल मिलाकर का मतलब I1 RMS प्लस में I2 RMS है। मतलब कोई भी नंबर आई है, तो हमें टोटल रिजल्टेंट RMS बताना था। तो कुछ बच्चे ये करेंगे कि IM1/√2 प्लस IM2/√2 दोनों को जोड़, ये हो जाएगा गलत। हाँ नहीं, वेक्टर नहीं, इसका आप क्या करोगे, वेक्टर भी लिख सकते हो, अंडर रूट लगाएंगे, और अंडर रूट लगाने पर पहले वाले का RMS कितना है, स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर प्लस जो दूसरे वाला आया है का स्क्वायर, पूरे का अंडर रूट। मतलब अगर आपको तीन अलग अलग RMS मान दिए जाए, और आपको ये कहें कि तीनों का योग बताइए, रिजल्ट बताइए, पहला RMS का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का, तीनों को जोड़ के अंडर रूट करना है। या आप सीधे सीधे नहीं, 3 + 2 + 5 ये नहीं कर सकते। देखो, ये मैंने इसलिए लिखाया आपको, इस चीज को आपने एक दो बार अपनी किताब में पढ़ा होगा, एक महिला भी तो लिखती है ना, रुक्मणी किताबी, और महिला है, प्रकाशन है ये। मैं तो ये कई बार ये सोचा मैंने, एक दो बार पहले भी बोला ना, ये हम रुक्मणी की किताब पढ़ते हैं, तो बच्चे ने, तो मुझे लगा कि ITI में कोई महिला तो मैंने कम देखी, इलेक्ट्रिशियन में कम होती है ना लड़कियां, तो मैंने कहा बहुत बड़ी बात है। तो IM1 IM1/√2 का स्क्वायर प्लस, अगर इसको आप सॉल्यूशन करें, तो सॉल्यूशन करने पर 1/2 को बाहर कॉमन लिया जा सकता है, ये बन जाएगा IM1 का स्क्वायर प्लस IM2 का स्क्वायर। देखो, यहां से एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा था आपको, कि अगर बेटा ये हो, आई हो, क्योंकि ये आपको समझना जरूर पड़ेगा, अब नहीं समझोगे तो भैया मेजरमेंट में समझ, लेकिन ये दो सब्जेक्ट का कॉमन पार्ट था, करेगी। आपको लग रहा होगा औसत मान क्यों पढ़ाया, तो औसत मान नापा जाता है PMMC से, वहां पढ़ाना पड़ता। RMS मान इसलिए पढ़ाना पड़ा, ये नापा जाता है मूविंग आयरन से, तो मूविंग आयरन में परेशान करता। हमें मान लिया ये समीकरण दी गई है, ठीक है जी,
और हमें इसके लिए, हमें इसका आई आर एम एस लिखना है। तो डीसी को आपने सीधे क्या कहा, डीसी तो पूरा का पूरा वर्किंग कंटेंट है। ठीक है जी, डीसी मान का जो एसी का डीसी के तुल्य मान होता है वही तो आरएमएस है। तो एक तो ये था मान, इसका क्या करने वाले हो, इसका आरएमएस कितना होगा, आई वन बाई रूट टू का स्क्वायर। इसका क्या लिखोगे और पूरे का क्या करोगे, अंडर रूट। तो अंडर रूट में आई नॉट स्क्वायर प्लस में 1/2 ले ले कॉमन, ये हो गया जी आई वन स्क्वायर प्लस में आई टू स्क्वायर। इससे आगे भी जो भी होता, मतलब आई थ्री होता, आई फोर होता, आई फाइव होता, इस हिसाब से हम लोग सॉल्यूशन करते चलते। देखो ये सवाल बहुत बढ़िया देता है आपको। मान लिया एक छोटा सा सवाल ले लिया हमने, छोटा सा सवाल ये है कि v बराबर में 10 + 10 sin का t। जी ये आगे भी होता, तरीका तो हमारा वही है। तुमने कहा आरएमएस वैल्यू ज्ञात कीजिए, आरएमएस वैल्यू अंडर रूट लगाएंगे भाई, 10 का स्क्वायर तो प्लस 1/2 लिखना सीखा, और जो यह मान होगा इसका स्क्वायर करना सीखा। तो कितना हो गया जी, 2/150। कितना आ गया जी अंडर रूट में 150। अरे भाई बता दोगे आंसर है, ये डीसी वैल्यू है ना, जिसके साथ साइन नहीं होता कोस नहीं होता, मतलब डीसी मान है। तो एक तो आरएमएस ये हो गया, डीसी की जो डायरेक्ट वैल्यू है वो आरएमएस के बराबर है। नहीं, देखो जितने आरएमएस मान आएंगे उन सब का स्क्वायर करना है, तो डीसी तो डायरेक्ट ही आरएमएस के तुल्य होता है, तो इसका डायरेक्ट स्क्वायर प्लस इसका आरएमएस कितना निकाला, आई वन बाई रूट टू का स्क्वायर, ये मैक्सिमम है आई वन डिवाइड बाई रूट टू, ये मैक्सिमम है डिवाइड बाई रूट टू, ये भी आर एम एस, ये भी आर एम एस, ये भी आर एम एस। हाँ डीसी मान कहेंगे, लेकिन डीसी डायरेक्ट तुल्य होता है आर एम एस के, इसलिए डीसी को सॉल्व किया जाता है आर एम एस के तुल्य मानकर। अब अगर इसी में जैसे मान लिया मैं ये लिख देता तो ये फालतू का नंबर देके जाता भाई, कई बार वी एवरेज बराबर क्या लिखते भाई साहब, डायरेक्ट जुड़ते नहीं, मात्र 10 होता, जुड़ते नहीं डायरेक्ट, दिखाए तो तैयार औसत मान में। हाँ मतलब बाकी वैसे तो कम ही आएगा, लेकिन बाकी को मैं देखना भी, बाकी से मतलब ही नहीं।
खत्म हो गया, ये होगा देखो देखो, मैं DFCCL का जिक्र कर रहा था, उसमें सवाल बड़े अच्छे लेवल के आए थे, इससे नेक्स्ट जो सवाल करवा रहा हूँ ये RMS का लास्ट भी है, और भाई तभी बनेगा जब DFCCL जैसा मुश्किल पेपर नहीं आए, क्योंकि अभी तो यह है कि जो भी भर्ती आ जाए भी बढ़िया है। देखो जी, मान लीजिए करंट है, ये 10 दिया है, ये -5 है, दो तरह की वेवफॉर्म मिला दी भाई, अकेली होती तो निमट लेते हैं, लेकिन दो वेवफॉर्म मिला दे। ये टाइम पीरियड है यहाँ, चले मान लिया टूटी है, ये टी पंकज जी, औसत मान को देखिए एक बार, अपने आप समझ आ जाएगा कि एवरेज मान 10 क्यों है, क्योंकि साइनिसोडल के लिए आपने 0 लिखा है भाई, साइनिसोडल के लिए कोई दिक्कत। अरे यहां चले, देखो ये बताओ आप मुझे कि ये अच्छे टाइम पीरियड कितना दिख रहा है, देखो बहुत आसान है, टाइम पीरियड कितना दिख रहा है जी, राइट, 2T है, टी में तो ये रेक्टेंगल बना, तो मुझे आप एक बात बताओ, अभी तक आपको ये तो सिखाया मैंने, अगर ये पूरे में होती रेक्टेंगल तो आप RMS क्या लिखते, टेन लिखते, हाँ 10 ही तो है, VM छोड़, VM कहाँ तो करंट है लिखते, लेकिन पूरे टाइम पीरियड के कितने हिस्से में है ये, अरे 1/2 में है, तो आप कहते हैं जी ये मान आया बाबू 10/2, मतलब इसका RMS हाँ, देखो ये अलग है, इसके बाद ही होगा ना ये जो रिपीट। अब ये बताइए कि जो ये नीचे वाला हिस्सा है ट्राइंगलर है, पूरे में होता तो क्या लिखते, ठीक है यही तो लिखते, लेकिन ये टाइम पीरियड के आधे हिस्से में बन रहा है भाई, 2T से T पे ही तो बन रहा, तो आधे में बनने का मतलब है 1/√, इट मीन्स 5/√, अलग अलग का RMS लिख लिया, अलग अलग का RMS अगर लिख लिया, ये समझो आपने सवाल को हल, रूट वाला सिस्टम तो याद है ही, पहले का RMS कितना बाबू, तो स्क्वायर करके 100/2, ये कितना 25/, ये जी हमने ये 6 ले लिया, तो ये 300 हो गया,
हमारा इतने एम्पियर आंसर आ जाएगा आरएमएस, बात खत्म। चलिए शुरू किया जाए नेक्स्ट प्रोग्राम। देखो भाई बालमुकुंद जी ध्यान से देखना आप, अब उस सवाल का नंबर है जो सवाल आप मुझे पूछ रहे थे, और इसे पूरे एक्यूरेट तरीके से समझ लेना। देखो ये हमने करंट लिया जी, ये मान आई वन है, मान आई टू, मान आई थ्री, ये मान दे दिया हमें भाई, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? के बाद ये सीध के नीचे है, ये मान देगी आई फाइव, ऐसा मुश्किल किया मैंने, हो सकता है और बढ़ता फिर अलग अलग घटता, मतलब इसके बाद कुछ भी हो सकता है भाई। ये जो टाइम पीरियड दे रखा है दिया टी वन दिया टी टू, ये अलग अलग के लिए मुझे टाइम पीरियड डायरेक्ट दे दिया, अलग अलग का मतलब ये है भाई यहां से यहां तक का है टी वन, ये था जी टी टू। अरे नहीं होता तो जैसे निकाला नहीं है भाई, टू टी में से टी घटा के वो निकालते हम टी थ्री के जी टी फोर के जी टी फाइव, टोटल जो टाइम पीरियड है वो लिया है भाई। देखिए सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है, इसके लिए आरएमएस मान लिख, आई आरएमएस बराबर में पहले ये बताओ पहले वाले का मैग्नीट्यूड कितना, बताओ यार आई वन है तो आई वन का स्क्वायर, ये बताओ इसने आउटपुट कितने में दिया टी वन में, और टोटल टाइम पीरियड कितना है टी, तो हम पहले भी यही निकालते थे कि भाई आउटपुट टी वन बटे टी वे हिस्से में दिया भाई, अगर ये दस होता ये दो होता तो हम दो बटे दस करके एक बटा पांचवा हिस्सा लिखते, तो आई वन स्क्वायर कितने में दिया टी वन बटे टी वे हिस्से प्लस नेक्स्ट वाली वेवफॉर्म क्या है भाई,
आई टू स्क्वायर गुणा कितने हिस्से में आउटपुट है, टी टू बटे फिर हम प्लस फिर क्या है आई थ्री का स्क्वायर टी थ्री बटे टी प्लस आई फोर स्क्वायर टी फोर बटे टी प्लस आई फाइव स्क्वायर गुणा टी फाइव बाई, भैया लिख लेंगे अलग अलग, और भैया ये सब लिख के एक हमने देखा अंडर, अब करके देखना पहला पांच है, पांच का स्क्वायर देखो इसने बराबर में बांट रखा, पीरियड बोल दे नहीं रखा, माइनस है तो वो भी प्लस कंसिडर है, उसमें कोई टेंशन वाली चीज नहीं। तो पांच का स्क्वायर इंटू इनको एक दो जीरो एक दो तीन चार पांच हिसाब से सब में बांट देना। चलिए लिखिए जी, लेकिन ये होना चाहिए, चलो खत्म करिए भाई से, एक न्यूमेरिकल नहीं यार अरे मैं तो निकाल के बताया ना, ये मानो बहुत बड़ा चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ ऐसे ऐसे सर्किट एनालिसिस बड़ा नहीं है, ये तो जड़ है ना, मतलब इससे ही पूरी मशीन पावर मेजरमेंट सब इससे ही है। वही तो है, चले आगे अरे आगे बढ़ जाएं।
भाई टोटल टाइम पीरियड 7 सेकंड है, क्या ही का मान है। चलो फिर इसका आरएमएस बता। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है यार, मेहनत थोड़ी सी कर लेंगे कैलकुलेशन। मैं तो जो तो भी बताता हूँ ना, पांच दस दो सौ पच्चीस 450 400 12.5 आ गया होगा। देखो जो बच्चा कल ये सवाल लिख रहा था ना, ये लाइव क्लास में नहीं आएगा भाई। मैं एक चीज बोलता हूँ, जब तक खत्म ना हो इंतजार करिए, लेकिन इतना पेशेंस। अरे लोको पायलट के लिए भी है, सबके लिए है भाई। ये कोर्स नौकरी मात्र के लिए नहीं है, है कि ये कोर्स तुम्हारे जीवन सुधार देगा, सब चीजें सही करेगा। ये नौकरी बढ़िया होगी, गाड़ी बंगला सब ले सकते हो। अरे यार दोस्त, 11/7, 1100/7 आ गया, तो इसका अंडर रूट नहीं करना तुझे। 1100/7 ही आए फिर भी, तो हल करना, 12.5 ही आ जाएगा। वाल्मीकि जी कर नहीं पाया अभी भी कैलकुलेटर की। मैंने फिर वही, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों के इस तरह का एग्जाम में आया है तो कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। देखो सब में बराबर हिस्से, टाइम पीरियड एक एक है, एक दो में से गया, फिर एक तीन में से दो, एक 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 में बट गया। टोटल टाइम पीरियड कितना? 7 है। देखो अगर आप ये करते हैं, आई आर एम एस बराबर, सोचने की बात है भाई। 5 का स्क्वायर करते बच्चे 25। चलो एक बार मैं पूरा बताऊं, 25 × 1/7 लिखते हैं, है जी। अच्छा प्लस में यहां 100 × 1/7 करते हैं, तो 1/7 सब में आना था, आना था ना 1/7, क्योंकि सब बराबर के हिस्से में ही तो बटे हुए हैं और टोटल टाइम पीरियड 7। तो हमने एक काम कर लिया, देखो इस 1/7 को हमने सबसे बाहर लिख लिया। अब देखो हल करने का कि कम समय में बढ़िया रिजल्ट। 5 दो बार है तो 5 × 25, 5 × 25 कितने हो गए? 50। तो यहां लिखो 50, यहां 10 है स्क्वायर है, 100 यहां भी आएगा और इस 10 से भी आएगा, कितना? 15 से 225 आएगा यहां भी और 15 उधर भी है, 450। 20 है, एक ही तो है 20, 400। अंडर रूट 1100/7। चेंज धीरे तो चेंज के हिसाब से करना था, कोई नई बात है, तब क्यों लागू होगा यार? मतलब लागू अभी भी कुछ नया थोड़ा ही गया, वो तो मुझे दो बार लिखना था, 25 25 मैंने एक साथ ही लिख दिया। अगर भाई अलग होता, ये 5 होता, ये 6 होता, तो मैं 6 का स्क्वायर 36 लिखता इसमें। अरे भाई चचा इसलिए जोड़ दी, ये सेम थी इसलिए जोड़ दिया। अब ये 5 की बजाय इधर 5 नहीं होता, 3 होता, तो मैं क्यों जोड़ता? 3 × 9 करता, 5 × 25 करता बस। ये कोई ट्रिक थोड़ा ही है, शॉर्टकट थोड़ा ही है, ये तो तरीका था। तो अपना
आ जाएगा 12.5 गुना और ये भी बताऊं देखो, मतलब आंसर कैलकुलेटर नहीं है एग्जाम में, जब 1100 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 11 को काटा 7 एकम 7 आ गए, 4 बचा, 7 पंजे 35, 1 आ गया 5 आ गया, फिर कितना था यहाँ 40 बन रहा था ना, फिर 5 और 0 आ गया है जी, सतो अठी कितना मिल गया हमें, नहीं सतो सती, तो हमें 158 के आसपास कुछ मिल रहा है, 158 के आसपास नॉर्मल मिल गया। अब मुझे पता है कि 12 का स्क्वायर 144 होना है और 13 का जाके 169 होना है, तो 155 160 के लगभग अगर वैल्यू आ रही है तो 12 दशमलव कुछ ही लिखना है, मतलब एक्यूरेट भाई पेपर में नहीं होगा आपके कि 12.5 12.1 ऐसे ऑप्शन नहीं मिलेंगे तुम्हें, इतना भयंकर एग्जाम नहीं होता तुम लोगों का, भाई अपना सीधा लिख लेंगे कि 12.5 है। चलिए जी नेक्स्ट लिखेंगे होम फैक्टर, देखो जी इन सूत्रों की कहानी भी बताएंगे, होम फैक्टर को जैसे सूत्र याद रखने का तरीका क्या है, ये आरएम है जैसे, तो हमने अपने दिमाग में ऐसे इलेक्ट्रिकल की छोटी छोटी हिंट्स बना रखी और बनी होनी भी चाहिए, जैसे हम ये पढ़ते हैं कि मोटर में मैक्सिमम पावर के लिए कौन सी कंडीशन है, तो इसमें बच्चे दो चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, ये जनरेटर की है मोटर की, कई बार मोटर को जनरेटर की मार के आते हैं, बहुत गलती होती है, तुमने यहां अपने दिमाग में हिंट्स बना ली, मोटर मतलब बैक ईएमएफ, इसका मतलब बैक ईएमएफ पहले है, ई बी बराबर क्या है वी बाई टू है, तो मोटर के लिए बैक ईएमएफ, तो छोटी छोटी चीजें हैं जो क्योंकि अरे मोटर में जनरेटर में बैक ईएमएफ नहीं होती ना, तो हम क्या लिखते हैं मोटर, मोटर का मतलब किससे है बैक ईएमएफ, तो हमने याद किया हुआ अपने दिमाग में कि बैक ईएमएफ, इसका मतलब बैक ईएमएफ पहले ई बी बराबर में लिखना है वी बाई टू, जनरेटर में जब ये मोटर की याद है तो इसे क्यों याद करनी, इसमें समय खराब करना ही नहीं ना दिमाग में, तो दिमाग में अपने ऐसी छोटी छोटी ट्रिक बनानी पड़ेगी तुम्हें, जैसे कि हम ये पढ़ते हैं एक एक सवाल होता है स्ट्राइक वोल्टेज है नहीं, स्ट्राइक वोल्टेज रेट ऑफ राइज ऑफ स्ट्राइक वोल्टेज, और ये पूछता भी है कि आरएमएस में होती है पीक में होती है, तो हम लोगों ने मैंने अपने दिमाग में ये सेट कर रखा री स्ट्राइक, मतलब कि अगर किसी को हम हिट कर रहे स्ट्राइक कर रहे किसी को तो मतलब आउटपुट बढ़िया मिलेगा, बढ़िया यानी ज्यादा ज्यादा मतलब पीक वैल्यू, तो कभी भूलते ही नहीं, क्योंकि यार अब तुम्हारा तो फिर भी थोड़ा सा है, यही में मुझे अकेले को कम से कम ज्यादा नहीं 27 से 28 सब्जेक्ट पढ़ाने, ये कोई रिनोबल पढ़ाना, फिर पावर प्लांट हो गया, फिर पता नहीं क्या क्या ड्रामे है अपना इनके, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंट्रोल हो गया, पावर सिस्टम है, स्विच गियर है, बहुत सारे हैं, तो अगर इतनी चीज़ों को दिमाग में याद रखेंगे तो भूल जाएंगे, खिचड़ी पक जाएगी, इसलिए छोटी छोटी हिंट्स है, जैसे आप पढ़ते हो ना कि एक होती है ब्रेकिंग कैपेसिटी और एक होती है मेकिंग कैपेसिटी, तो इसमें बच्चा गलती ये करके आता है, ये पूछता है कि कौन सी किस में होती है, पीक में होती है आरएमएस में, मेरे दिमाग में ये सेट है कि मेकिंग किससे शुरू हुआ एम से है जी, तो आरएमएस में क्या आता है एम, तो मेरे दिमाग में ये सेट है कि एम नहीं आना चाहिए, एम नहीं आएगा तो पीक में है, तो मेकिंग कैपेसिटी किस में है पीक में,
फिर जब ये पीक में तो ब्रेकिंग अपने आप से आ रहा है इसमें। हाँ नहीं तो मैंने वो थोड़ा ही दूसरे के लिए बना रखी है, तो अपने लिए बना रखी है ना। इसमें ट्रिक की जरूरत नहीं, इतनी बढ़िया तरीका है कि बस थोड़ा सा इसका दिमाग रखना है, ना किसी सूत्र की जरूरत पड़ती तुम्हें। बहुत बढ़िया जुगाड़ है इसका। नहीं अभी बता दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बदले मिलेगा क्या भाई? है कि नहीं भाई? कुछ एक्स्ट्रा चीज के लिए कुछ दावत सावत करो इन सब की, है कि नहीं भाई? अभी नहीं बताते। होम फैक्टर तो हमने दिमाग में सेट है कि ऊपर आरएमएस वैल्यू है, और नीचे फिर औसत मान एवरेज। आरएमएस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू, जैसे एन टाइप के लिए ये सॉरी क्या बनाते हैं हम लोग, एन टाइप पी टाइप। तो पी टाइप के लिए हम लोग कौन सी ट्राइवेलेंट मिलाते हैं? तो ये याद है बैग, BAIG। और दूसरे के लिए हमने बना रखी बाप। नहीं आप नहीं, राजनीति नहीं, बाप याद भी रहता है ना आपको, तो लोग भूल भी जाते हैं। अपने पिता को बाप को नहीं भूलते, बाप ज्यादा बढ़िया है। ऐसे थोड़ा है कि तुम किसी का कांग्रेस रखोगे यार, ये गलत है। राजनीति नहीं, आरएमएस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू। देखो इसकी कहानी ये होती है, मतलब इसे निकालते क्यों है? ये ऐसा नहीं है कि मशीन में इस्तेमाल होता है या कुछ नट बोल्ट है या कुछ हार्डवेयर था। हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू हम निकाल देना किसी भी वेवफॉर्म का, तो एवरेज वैल्यू का कितना हिस्सा या कितना प्रतिशत हिस्सा काम करने के लिए जिम्मेदार था, ये फॉर्म फैक्टर सिर्फ बताता है। देख लो, चाहे आरएमएस वैल्यू वर्किंग कंटेंट है, तो आरएमएस वैल्यू बराबर एवरेज इंटू आरएम ट्रिपल लिखो, ये फॉर्म फैक्टर लिखोगे। अगर फॉर्म फैक्टर ज्यादा है 1.11, लाइक जैसे हमने साइनसोडल के लिए पढ़ते हैं, तो आप यही तो कहोगे कि आरएमएस एवरेज का 111% मान देता। अरे यही तो लिखोगे यार, यानी कि ये सिर्फ एक कंपैरिजन देता है कि एवरेज वैल्यू में काम करने की कितनी क्षमता अवेलेबल है। देख लो, चाहे आरएमएस वैल्यू बराबर फॉर्म फैक्टर इनटू एवरेज वैल्यू। इसी प्रकार से जैसे हम पीक फैक्टर निकालते हैं, ये तो पहले भी पढ़े होंगे आपने ना, नॉर्मल है फॉर्मूला पीक फैक्टर। तो इसका जो मान आता है पीक वैल्यू, मतलब अधिकतम मान भाई, जो भी समझने में प्रॉब्लम होगी बताना मुझे, अपॉन में आरएमएस वैल्यू। ये भी आपको सिर्फ ये बताता है, ये भी सिर्फ आपको ये बताता है कि आरएमएस वैल्यू बराबर पीक वैल्यू अपॉन पीक फैक्टर, कि पीक वैल्यू का कितना हिस्सा वर्किंग कंटेंट के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। और वर्किंग कंटेंट भाई हमने बार बार कहा है भाई, तापमान के लिए, जो तापीय प्रभाव के लिए जिम्मेदार है, या कुछ भी काम करने के लिए जिम्मेदार है। अच्छा जी, एक होता है ट्रिपल, ये तो खैर रेक्टिफायर में पढ़ते हैं हम। प्रयोग, ये कोई ऐसे थोड़ा है कि नट बोल्ट लाओ और लगा दो, ऐसा सामान थोड़ा ही है ये। जब हम स्टडी करते हैं तो हमें अलग अलग क्वांटिटीयों के बीच में तुलना करनी बहुत जरूरी होती है।
तो ये अलग अलग क्वांटिटी के बीच में संबंध बता के तुलना करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं भाई, ये सूत्र ही तो है बस भाई। अगर देखो फॉर्म फैक्टर बढ़िया है, अगर हाई है तो आप कहोगे जी वर्किंग कंटेंट हाई प्राप्त हो रहा है। आप सोचकर देखो एवरेज वैल्यू ट्रांसफॉर्मर में 4 πmf(n1) आती है, अगर फॉर्म फैक्टर हमारा 1.11 की बजाय 4 होता तो मल्टीप्लाई 4 से करते, 4 × 16 आउटपुट हमें 16 मिल जाता। तो हमें ये देखना है कि एवरेज का कितना गुणा वर्किंग कंटेंट या फिर आरएमएस वैल्यू होता है। यहां हमें ये देखना है कि पीक वैल्यू का कितना हिस्सा, भाई पीक वैल्यू तो वीएम है, अब वीएम जरूरी तो है नहीं कि हर जगह पूरा का पूरा ही हो। और अभी इससे जब हम अलग अलग वेवफॉर्म बनाएंगे तो तब देखना है, इसे समझने की कोशिश करना कि ये सूत्र है बता क्या रहे थे, इन सूत्र का मतलब क्या था, थोड़ा रिलेट करने कोशिश करेंगे। देखो रिपल फैक्टर जनरली नाम ही रिपल है, बेकार जो नहीं चाहिए जबरदस्ती आ जाए, तो नहीं चाहिए मतलब रिपेल। हमने ये देखा है कि जब आप रेक्टिफायर भी पढ़ते हो दिस्ट कार्य, जब आप एसी को डीसी में बदलने की आप चर्चा करते हो तो आपको तो भैया आउटपुट पे डीसी चाहिए थी, तो वहां पर आप लोग ये कहते हो कि वहां पर जो भी एसी का हिस्सा हमें प्राप्त हुआ है वो रिपेल है जी। तो रिपेल फैक्टर जितना कम होगा उतना बढ़िया, तो उतना बेकार हिस्सा कम मिलेगा। तो रिपेल फैक्टर को जनरली यहां हम नहीं भी पढ़ते चल जाता, लेकिन रेक्टिफायर में पढ़ना पड़ता हमें। जैसे कि रिपेल फैक्टर का मतलब ये होता है फॉर्म फैक्टर जो का स्क्वायर -1, या भैया ऐसे ये भी लिख सकते हैं फॉर्म फैक्टर क्या हुआ आरएमएस स्क्वायर माइनस एवरेज स्क्वायर अपॉन में एवरेज वैल्यू का स्क्वायर, ये भी लिखा जा सकता है भाई। जो भी देगा फॉर्म दे दिया तो यहां लगा देंगे, नहीं देगा तो ये वाले दे रहा होगा उसमें लगा देंगे। अरे फॉर्म फैक्टर आरएमएस बटे एवरेज का स्क्वायर -1 करते, ये हो गया जी रिपल। चलो जी फिर आज टेबल टेबल का काम निपटा लेते हैं, एक टेबल और बनाओ। देखना जरा इनको कौन सा पीक फैक्टर को क्रिस्ट फैक्टर के नाम से जान, एक क्रिस्ट एम्बली ये सब। हाँ, डेफिनेटली। आप देखो वी वी आर एम एस वी एम बटे √2, हमने कहा जी मैक्सिमम तो 100 थी लेकिन काम करने के लिए 70.7 ही जिम्मे, ये था। हिंदी में क्या ये फॉर्म फैक्टर इतना अंदाजा तो यार ऑप्शन देख के भी लगा लेता है कि मतलब सवाल का मतलब क्या है, जा कहाँ रहा है। मिलता है ना, नहीं आप लोगों का पेपर दोनों भाषा में आता होगा ना, बस तो फिर क्या टेंशन। इंग्लिश को करेक्ट माना जाता है कॉपी चेक होते हुए, वो पहले लिख देता है पहले पेज पे कि अगर सवाल में कोई त्रुटि पाई जाती है तो इंग्लिश भाषा को सही माना जाए। हैं कोई कोई एक दो तो देखो
वैसे एक बात बताऊं, ऑब्जेक्टिव कुछ ऐसे भी लिखा जाता है, जैसे बल्जे बोलते भी है ना कि हिंदी में, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें इंग्लिश में पढ़ना बहुत आसान है लेकिन हिंदी में याद रखना बहुत मुश्किल है। क्या नहीं याद? वैसे मैं बताऊं सवाल को, जो इसने पढ़ रखा है ना चीजों को, तो सवाल के शुरुआत होते बता देता है कि, और ऑप्शन की नजर डालते कि जहां ले जा रहा है। नहीं, आईटीआई में भी तो देता ही है, वो तो देता ही, दोनों इसलिए है ना ड्यूल लैंग्वेज की भाई, जिसे जिसमें ये समझ नहीं आए तो ये देख लो, ये समझ नहीं आए तो इधर देख लो। नहीं नहीं ऐसा थोड़ा ही कोई मतलब होता है, जिसमें ऐसा थोड़ा होता है कि सब में सवाल या सीक्वेंस अलग है। अगर तुम्हारा सेट ए है, ठीक है जी, अगर तुम्हारा सेट ए तुम्हें मिला है तो तुम्हारा हिंदी और इंग्लिश वाला वही है दोनों का। अरे ओएमआर सीट तो एक ही है बालक, वो तो सवाल पढ़ने के लिए दे रहा है तुम्हें ना, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज। ओएमआर सीट तो तुम्हारी एक ही है, ओएमआर सीट थोड़ा ही बदली है। बिल्कुल मिलेगा, तो ओएमआर तो वही भर रहे हो तुम, वो तो तुम्हारे लिए एक सुविधा दी है भाई, वो तो एक सुविधा दी है कि भाई बच्चा को हिंदी और इंग्लिश के चक्कर में उलझे ना, जिसको जिसमें कंफर्टेबल है वो बदल के देख सकता है, एक सुविधा दी है वो तो। लिख लिया जी, चलो फिर एक टेबल फिर बनाओ, और देखो इस टेबल को बना के इन तीनों चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यार ये रेक्टेंगल वेवफॉर्म यानी कि आयताकार ही लिखें। रंग बोलते हैं ना वेवफॉर्म को, है भाई? मुकुंद तो पढ़ा रहा था एक दिन शुद्ध हिंदी में बच्चों को, देखी थी मैंने वीडियो ना, बहुत पहली बात है। हाँ हाँ तो ये बहुत पहले से भेजता है ना मुझे, हाँ तो बाद में आया क्यों भाई? तो उसमें कोई गलत चीज थोड़ा ही है। कहा गया हम लपेट देंगे, ऐसा भी होता है क्या? नहीं नहीं सही है इन चीज नहीं, अगर रेगुलर भी कोई पढ़ता है पढ़ाता है उसमें कोई बुराई थोड़ा ही है भाई। हम सही तो काम करने की बात कर रहे हैं लोगों के लिए, फायदे की तो कर रहे हैं, नुकसान तो कुछ कर नहीं रहे, हमको चोरी करना सिखा रहे भाई, शिक्षा की तो बात कर रहे हैं, पढ़ाना ही सिखा रहा है, एजुकेशन तो ये तो जरूरी है। चलिए जी, तो यहाँ लेंगे हम लोग RMS मान, यहां लेंगे औसत मान, यहां लेंगे फॉर्म फैक्टर,
फैक्टर, ट्रिपल फैक्टर। देखो भाई हमें तो पूरी ये टेबल है ना, ये बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करेगी, लेकिन ध्यान देखना कि क्या क्या बता रहे। भाई जल्दी से बताओ आरएमएस मान कितना है जी, याद है पीएम औसत मान बोलो जी, पीएम है। इससे क्या चीज समझ में आ रही है? देखो वेवफॉर्म का मतलब समझिए, मैंने कहा था कि भाई हमारे लिए डीसी का मतलब भाई शुद्ध डीसी का, देखो कहने को तो पल्सेटिंग डीसी तुम कुछ भी बनाओ ये है, एक ही दिशा में है, वो पल्सेटिंग है, वेरिएबल डीसी है, तो ये हमारे लिए शुद्ध नहीं थी। हमने शुद्ध डीसी ली है, अरे लिया है यार। तो जैसे मैंने आपको देखो अभी ये कहा था, जब आप कह रहे कि डीसी मतलब आरएमएस पूरी की पूरी, तो अगर शुद्ध डीसी है तो उसका पूरा का पूरा भाग औसत मान भी है, और वो पूरा का पूरा औसत मान काम करने के लिए जिम्मेदार भी है। तो इसलिए हमने वहां जो आई नोट लिखा, तो आई नोट का मान देखो बदला नहीं था, आई नोट मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू थी, ये दे दिया जी आई नोट। तो हमने इसलिए डायरेक्टली इसको क्या ले लिया, औसत मान भी लिया, और सीधे से उसको आरएमएस लेकर भी कैलकुलेशन की थी। तो कहने का तात्पर्य है कि शुद्ध डीसी का पूरा हिस्सा, काम करने वाला हिस्सा या आरएमएस वैल्यू कहलाता है। चलो फॉर्म फैक्टर कितना फिर 1, अरे इसका ये 100% हिस्सा है 1, पीक फैक्टर 1, ट्रिपल 0, इसलिए क्योंकि हमें यहां पूरा का पूरा परफेक्टली प्योर डीसी मिला है भाई, मतलब हमें इसमें कोई एसी का भाग नहीं मिक्स मिला। तो ये थी हमारे लिए आयताकार तरंग की कहानी। चलो जी साइनसोइडल बनाते हैं। चलो बोलो जी आरएमएस मान, अरे रिवाइज भी हो जाएगा पूरा। अच्छा ये औसत मान पीएम बाई पाई, मतलब कि मैंने पूरी साइकिल तो कहा नहीं, मैंने कहा साइनसोइडल का आरएमएस, तो इसका मतलब आधी वाला 2 VM बाई पाई। फॉर्म फैक्टर क्या करें, आरएमएस डिवाइड बाई औसत, तो आप करेंगे तो 1.11 मिल जाएगा। चाहो तो कैलकुलेशन कर लेना भाई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पीक फैक्टर। पीक फैक्टर √2, देखो पीक फैक्टर वीएम बाई आरएमएस है, वीएम बाई √2 यहां चला गया, तो ये मिल गया जी √2। ठीक है भाई, अब आते देखिए रिपेल फैक्टर। रिपेल फैक्टर है अंडर रूट में फॉर्म फैक्टर स्क्वायर -1, तो 1.11 का स्क्वायर -1 कितना, 2.1% में 121 आना चाहिए। चलो फिर भी पूरा कर ले भाई, संतुष्टि गलत, 48.17%। तो इसका मतलब देखो, इसका मतलब ये हुआ कि साइनसोइडल में 48% वो हिस्सा आया है जो हम नहीं चाहते थे, या जो काम करने के लिए जिम्मेदार नहीं था, मतलब यूज नहीं हो रहा, रिपेल है एसी वाला हिस्सा।
काम करने के लिए जिम्मेदार तो डीसी वाला था, तो ये आ गया जी रिपेल। चलिए जी नेक्स्ट है डकार तरंग। जल्दी से बोलो आरम आसमान वीएम बाई रूट थ्री औसत मान। अरे वीएम बाई टू था। फॉर्म फैक्टर क्या सिखाया, आरएमएस बटे औसत, तो देख वीएम बाई डिवाइड किससे करें, वीएम और ये कैंसिल हो गया तो टू बटे कितना आ गया अंडर रूट थ्री 1.15। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है हमारा, तो यही तो आ रहा होगा पीक फैक्टर रूट थ्री। पीक फैक्टर वीएम है, आरएमएस कितना है, वीएम बाय रूट थ्री, रूट थ्री यहां हो गया, कितना आ गया रूट थ्री यहां आ गया अंडर रूट में। फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर कितना है आरएमएस, आ गया फॉर्म फैक्टर ये 1.15 का स्क्वायर माइनस ये आ गया जी 56.78%। अंडर रूट में फॉर्म फैक्टर ये है 1.15 का स्क्वायर माइनस 1, इसका स्क्वायर करेंगे, इसमें से माइनस एक घटाएंगे, फिर अंडर रूट ले लेंगे। प्रतिशत में मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि गुणा सो करके, चलिए जी नेक्स्ट है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट के लिए। आरएमएस मान कितना सिखाया हुआ है, वीएम बाई टू ए तो निकलवाए हैं सब। ये देखो मुन्ना जी कह रहे कि पोलर फैक्टर किसे कहते हैं, कुछ ऐसा सुना आपने, पोलर फॉर्म होती है, पोलर फैक्टर तो कुछ है ही नहीं। 9 बजे औसत मान, अरे बोलो भाई पीएम भाई भाई फॉर्म फैक्टर निकाले भाई, फॉर्म फैक्टर कितना आरएमएस वैल्यू बटे में एवरेज, तो ये हो गया हमारा 1.57 आ गया। चलिए पीक फैक्टर है पीएम बटे आरएमएस, पर माइनस प्रतिशत में लिखे 121%। हाँ प्रतिशत में वही तो है, फिर ये सारे प्रतिशत में लिख रहा हूँ।
तो फुल वेव फुल ये वाली कॉपी कर लो सीधे। हाँ देखिए भाई जी फाइनल कर दो। हो गया भाई ठीक आज शाम को नहीं है दावत, मतलब आज शाम को नहीं है दावत, कल होगी। देखेंगे अभी मेरा जाना भी फिक्स नहीं हो रहा यार। एक झारखंड वाले में थोड़ा सा बच रहा है कोर्स ना, तो आज वो खत्म करूंगा एक दो। शाम को मतलब 5 बजे? नहीं नहीं आप लोगों का अब रेगुलर ये टाइम है 7 बजे से 9 बजे। शाम वाला जब भी होगा तो सुबह बता के भेजा करूंगा। हम्म, 7 बजे वो तो है? अरे यार वही तो समझा रहा हूँ मैं, सुबह आप लोगों का ये फिक्स टाइम कर दिया गया। शाम को अगर हुआ करेगी जब भी तो तुम्हें इस समय बता के भेजा करूंगा। ग्रुप में कई बार ऐसा भी होता है यार, पढ़ा किसी ने नहीं पढ़ा, तो जब भी शाम को क्लास लूंगा इस समय बता के भेजूंगा। सात बजे वाले? हाँ हाँ वो तो यहीं से ले लेंगे, मुझे तो पढ़ाना ही है यहाँ से भी और यहाँ से भी। यहाँ थोड़ा सा मुझे टाइम का पता नहीं चलता। बनाली से भी है? तो ये हुआ जी आपका एवरेज वैल्यू आ रहा है, फॉर्म फैक्टर टेबल फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फेज डिफरेंस ये सब हुआ खत्म यहाँ। अब फंडामेंटल ऑफ एसी खत्म नहीं हुआ, फंडामेंटल ऑफ एसी खत्म नहीं हुआ। ये मानोगे ये आपका सबसे बड़ा चैप्टर में से एक है कि इससे सारे के सारे टॉपिक की जड़ें जुड़ी हुई है। चले फिर आगे बढ़े, फोटो लोग है सही है। हाँ जी देखो दो चीजें हैं यहाँ से सीखने की और बहुत बढ़िया। देखो एक हम लोग लिखते हैं, आपने सम्मिश्र संख्याएं पढ़ी होंगी, कॉम्प्लेक्स नंबर। एक होती है आयताकार वेव फॉर्म यानी रेक्टेंगल फॉर्म। और देखो जब हम आयत बनाते हैं कोई, तो हम एक लाइन एक्स एक्सिस पर लेते हैं और एक वाई पर लेते हैं। भाई अगर मुझे कोई आयत बनाना है जैसे ये आयताकार है रेक्टेंगल, मतलब यहाँ दिखाने के लिए एक्सिस पे, तो मैं क्या लेता हूँ, एक ये हॉरिजॉन्टल मान के चलता हूँ, एक को मैं वर्टिकल मान के चलता हूँ।
देखो जी, एक होती है रेक्टेंगल फॉर्म, का मतलब हुआ जी आयताकार फॉर्म। जब भी किसी नंबर को आप रियल और काल्पनिक, हाँ मतलब इमेजिनरी में लिखते हो, तो वो आयताकार फॉर्म या रेक्टेंगल फॉर्म कहलाती है। आपको अगर याद हो कुछ बेसिक, तो मैं एक दिन जिक्र कर रहा था आपके सामने कि देखो भाई, ये तो वास्तविक एक्सिस रियल वास्तविक है, और ये जे से प्रदर्शित किया जाता है काल्पनिक, बताया था एक दिन। तो रेक्टेंगल फॉर्म ये बताती है कि मान लिया मेरे पास कोई भी एक नंबर है, तो इस नंबर के दो हिस्से हैं। एक नंबर कहलाता है रियल, यानी कि वास्तविक भाग, और एक कहलाता है इमेजिनरी, यानी कि काल्पनिक। ठीक है भाई, यानी कि अगर हम बेटा ये कहें कि, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस पे आधारित यूपीपीसीएल TG2 में ऑलरेडी इस पे और पोलर फॉर्म पे दोनों पे आधारित एक सवाल में डाटा यूज हुआ है। अगर आप ये समझेंगे तो हमें बहुत सारी जगह मदद मिलेगी, मशीन में ये तो दिक्कत होगी भाई, और ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे मेरा कहने का मतलब ये हुआ, कोई नंबर ए है तो इसमें 5 है रियल भाग, और इसमें ये जे वाला इसका काल्पनिक, तो काल्पनिक भाग अगर ये जे है तो नीचे वाला माइनस जे सिखाया है, तो प्लस और माइनस में हो सकता है। तो वाई एक्सिस पूरा काल्पनिक एक्सिस था जिस दिन हमने के का मान निकालना सिखाया था भाई। क्या सिखाया था? जैसे जे 48 है, बताया तो था कि जो भी 4 के मल्टीपल में होंगे, नहीं बताया? जे 49 का मान कितना होगा? जे 49 ये नहीं बताया ना मैंने, जे की पावर 49 को जे की पावर 48 इंटू जे की पावर 1 लिखेंगे, तो जो भी 4 के गुणनफल होंगे या कटेंगे जो 4 से, उनका मान 1 होगा, और जे का मान आप लोगों को सिखाया है अंडर रूट माइनस के 1। ये तो मैंने पूरा पढ़ाया था आपको, जिसमें जे की पावर मैंने कहा था कि भाई जो भी जे की पावर 4 होगी उसका मान 1 होगा। देखो वो रहा, वो लिखा हुआ भी है बकायदा, ये देखो ये। अच्छा, तो इसे 5 को कहेंगे वास्तविक मान और जे को कहेंगे हम लोग काल्पनिक मान। तो जब भी कोई नंबर ऐसे लिखा जाएगा, इसे कहेंगे हम रेक्टेंगल। ठीक है जी। फिर जैसे वो बच्चा लिख रहा है, एक होते हैं हमारे पास में पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म का तात्पर्य है कि किसी भी नंबर को हम लोग रियल और इमेजिनरी से ना लिख के उसके मान वह कोण से प्रदर्शित करें, और जो कोण हो वो कोण हमेशा हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज एक्सिस की बनता हो। यानी कुल मिलाकर एक कोई नंबर है ए, तो इसका जो मान है मैग्नीट्यूड तो ये है पहले उसका मान, और फिर यहां पर कोण यानी कि एंगल। जैसे मैं कोई नंबर लिखूं बेटा कि ए बराबर में 10 एंगल 30 डिग्री, तो ये जो फॉर्म देखने को मिल रही है ये कहलाती है पोलर फॉर्म।
ठीक है भाई, मान और कोण जब भी होगा वो पोलर फॉर्म है। अब ये तो आजकल देख के कोई भी बता देगा कि ये पोलर या रेक्टेंगल है, जो जिसमें इसे कुछ नंबर और जे दिखेगा तो वो कह देगा ये तो रेक्टेंगल है, ये दिखेगा ये कह देगा ये तो कोई भी बताएगा। हमें यहां से तीन चार चीजें सीखनी है। पहली चीज ये सीखनी है कि मान लिया मैं ये कहता हूं कि ये तो ए है और यहां बी बराबर में छ, चलो अलग ही सवाल ले, सवाल ये है मुझे ए बराबर में थ्री प्लस जे फोर दिया गया और बी बराबर फाइव माइनस जे दो दिया गया, और भी देख मुझे कहा कि ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए भाई, थ्री प्लस जे फोर प्लस में पांच माइनस वास्तविक मान में वास्तविक जुड़ जाएगा तो पांच और तीन आठ प्लस में जे मान आ जाए भाई, जोड़ भी सकते हैं, अरे ये जे फोर है ये माइनस का जे टू है, काल्पनिक से काल्पनिक का हिसाब फाइनल करें ना, घटाना होता तो माइनस के पांच ये माइनस का प्लस हो जाता। तो याद रखिएगा कि रेक्टेंगल फॉर्म का इस्तेमाल हम सीधे सीधे जोड़ने या घटाने में करेंगे। हाँ आते हैं, रुक जाओ देखो, करेंगे ना जोड़ने और घटाने में, यानी जोड़ने और घटाने के लिए हमारे लिए कौन सी फॉर्म में लिखा होना चाहिए रेक्टेंगल में। अब देखो जी, यानी रेक्टेंगल फॉर्म किसके लिए बढ़िया हो गए, सीधे सीधे जोड़ने और घटाने के लिए, यहां कुछ नोटंकी नहीं करनी, सीधे सीधे जोड़ और घटा देंगे। देखो जी, अब हमने ये कहा कि एक नंबर है, हाँ बाबू इससे छोटी और बड़ी वैल्यू का तो मतलब है ही नहीं कुछ, छोटी और बड़ी वैल्यू का क्या मतलब है, तीन प्लस आठ को जोड़ना है तो आठ और तीन ग्यारह, अगर माइनस होता, ये माइनस होता तो माइनस के दो लिख लेते हैं भाई, नॉर्मल जोड़ना और घटाना ही तो है, रियल में रियल जुड़ेगा इमेजिनरी में इमेजिनरी, उसमें क्या है। अरे यार भाई माइनस वाला हमेशा ज्यादा होता है ना, जो माइनस ज्यादा होगा तो माइनस चिन्ह लगेगा, उसमें क्या बड़ी बात है, जोड़ना घटाने ही तो है, यहां तो कोई लॉजिक है ही नहीं इसके अलावा। ए बराबर मान लिया बेटा, यहां हमें पांच एंगल 30 दिया और बी बराबर हमें 10 एंगल 10 डिग्री, ठीक है जी। तो भाई बच्चों हमें कहा कि ए गुणा बी करके बताओ, तो मान ये 10 है, मान सीधे क्या हो जाएंगे गुणा 50, घटता नहीं, जब जुड़ता जब ये गुणा होती है देखेंगे, गुणा में कोण जुड़ जाता है तो भाई ये 30 है, ये प्लस करेंगे 10 कितना हो गया, चालीस आ गया। अगर ये a बटे b करना होता तो भाई a कितना 5 बटे 10, कोण कितना 30, यहां कोण कितना तो 0.5। कोण जब भी नीचे से ऊपर जाएगा तो उसका चिन्ह बदल रहा जाए, अरे कोण जब भी भाग होती है ना कोण में, तो ये मत कर देना कि 10 या 30 और कोण 3 हो गया, बस इसका चिन्ह मात्र बदला जाता है। तो भाई ये बताओ, ये तो 30 है, ये नीचे प्लस है, ऊपर जाके क्या हो गया माइनस के हो गए 10, तो उत्तर आ गया 0.5 और कोण, भाई अगर माइनस होता तो ऊपर जाके जुड़ जाता, नीचे प्लस है तो ऊपर जाके माइनस, चलो अभी इसे लिखो,
यहाँ से आगे शुरू करेंगे हम लोग फिर कल।